हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अक्की वोट। दोस्तों, मैंने फिल्म देखी आशिकी, राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की, और 2021 के हिसाब से अगर हम ये फिल्म देखते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आज भी ये फिल्म मज़ा देती है। यानी कि फिल्म को देखते समय कहीं पे भी बोरियत नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर लगता है कि थोड़ी सी लंबी फिल्म है आज के हिसाब से, लेकिन फिर भी फिल्म बोरिंग नहीं लगती है। और सबसे अच्छी बात इस फिल्म की थी वो है इसके गाने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी गाना, मतलब ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि हम फिल्म देखते हैं तो जो गाने होते हैं स्किप कर देते हैं, पर इस फिल्म में ऐसा क्या है कि बाकी चीज़ स्किप बेशक कर दो लेकिन गाने स्किप नहीं करोगे। सारे गाने, चाहे पिक्चराइजेशन हो और सुनने में हो, और वो गाने सब रटे हुए हैं। मतलब अगर आप थोड़ी पुरानी जनरेशन के हो, पुरानी इन द सेंस कि 90 का एरा आपने देख रखा है या फील किया हुआ है, और आप बहुत छोटे थे, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th क्लास में थे, तो सारे गाने आपको मेस्मराइज होंगे सिर्फ दूरदर्शन पे रंगोली या चित्रार में। फिल्म शायद ही ना देखी हो लेकिन गाने आपने ज़रूर सुने होंगे, और इसीलिए सारे गाने आज भी, मतलब रिमिक्स में आ जाएं और चाहे कैसे भी आ जाएं, अगर गाने आ जाते हैं तो एक बार पूरा सुनने का मन करता है। तो गाने नो डाउट बहुत अच्छे हैं, सारे ही गाने अच्छे हैं। मतलब हर चीज़ गाने के मामले में तो मुझे कुछ कहने नहीं है, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन फिल्म की बात करेंगे तो फिल्म एक तरह से देखा जाए तो क्या पता कि यहाँ से शुरुआत हुई हो। बहुत सारी फिल्में इसी स्टोरी पे बेस्ड हों, और या फिर ऐसा लगता है कि मतलब फिल्म की स्टोरी के मामले में वही स्टोरी है कि लड़की है, एक लड़का है, लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है, और लड़की एक ऐसे पिंजड़े में रहती है जहाँ पे जो वार्डन है उसको खुली सांस में रहने नहीं देता। अब प्रॉब्लम आती है कि लड़की करेगी क्या, कमाई क्या, तो लड़के की मदद से वो कुछ कमाने धमाने लग जाती है। अब वो कमाने धमाने लग जाती है और लड़का होता है गरीब, तो इनके बीच में क्या प्यार टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा, या टिक पाएगा, बस यही जो सस्पेंस है, इसी वजह से आपको एक नंबर। तो राहुल रॉय की हेयर स्टाइल एक नंबर, जो शर्ट और जो पैंट थी बैगी टाइप की खुली खुली, वो भी देखने में मज़ा आता है। और उस ज़माने में मोबाइल हुआ नहीं करते थे तो कैसे संदेशों का आदान प्रदान होता था, लव लेटर चलते थे, ये देखने में भी दिलचस्प है। प्लस टेलीफोन का ज़माना था, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लगेगा कि अगर ये फिल्म अगर 2021 में बनती तो बहुत कुछ ईजी हो जाता इन हीरो हीरोइन के लिए, इनकी बहुत सी मुश्किलें सॉर्ट हो जाती। तो ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, और मैं तो ये कहूँगा कि ये फिल्म रिलैक्स मोड वाली है, यानी कि कोई जल्दबाजी नहीं है, और आपके पास अगर टाइम है तभी आप इस फिल्म को देखो और मज़ा आएगा। तो ओवरऑल ये एक अच्छी फिल्म है, इसे आप ज़रूर देखो, फुल मज़ा आने वाला। तो दोस्तों, बस इतना ही कहना था फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।